मैंने आप सबसे वादा किया था ना, पूरे उत्तराखंड को मैं एक ही रूम के अंदर दिखाऊंगी। अपना परिचय और आपके वहाँ जो कुछ अच्छी अच्छी चीजें हैं थोड़ा बता दीजिए देखने लायक। मेरा नाम दिनेश शाह है और मैं जिला समन्वयक आशा कार्यक्रम जनपद पौड़ी से हूँ। हमारे जनपद में अभी वर्तमान में 1010 आशा कार्यकर्तियाँ काम कर रही है और 56 आशा फैसिलिटेटर्स हैं, 15 ब्लॉक समन्वयक हैं और 2 लोग हम जनपद में काम कर रहे हैं। आशा कार्यक्रम के दृष्टिगत अगर हम बात करें तो आशा कार्यक्रम NHM की जो लॉन्चिंग है वो 2005 में उत्तराखंड में हुई है। 2006 से जो है पूरे उत्तराखंड में आशा कार्यकर्तियां काम कर रही हैं और सारे जो स्वास्थ्य के रूप में आशा कार्यकर्ती काम करती है। और आशा कार्यकर्ती से अगर मैं फिर दूसरी उसकी बात करूं जनपद पौड़ी की, तो जनपद पौड़ी अपने आप में उत्तराखंड का एक सबसे ज़्यादा ब्लॉक का जनपद माना जाता है। यहाँ पर कुछ हमारे जो प्रसिद्ध जगह हैं वो माँ धारी देवी है और तारकेश्वर मंदिर है, डांडा नागराजा है, ज्वालपा देवी का मंदिर है और सिद्ध बलि का मंदिर कोटद्वार में है, जहाँ पे जो है इत्यादि बहुत सारे हमारे केंद्र हैं। इसी के तहत अगर हम देखें तो जैसे खिड़सू में हमारा पर्यटक स्थल है बहुत सुंदर, जहाँ पे देश विदेश के सैलानी घूमने के लिए आते हैं। और इसी के साथ साथ जब हम उधर नैनी डांडा, हमारा जो है बहुत दूरस्थ ब्लॉक है, लेकिन यहाँ पे बहुत जो वातावरण है, जो यहाँ पे वायुमंडल है वो बहुत शुद्ध होने के कारण यहाँ पर तीर्थयात्रियों का आवागमन यहाँ पे भी होता है। और इसके साथ साथ जब हम अन्य के दृष्टिगत देखते हैं तो यहाँ का जो सौंदर्य है वो मंडल कमिश्नरी जनपद पौड़ी को कहा जाता है। और यहाँ के लोग बहुत मेहनती, लगनशील और यहाँ का जो सौंदर्य है वो बहुत उत्कृष्ट है। और जब हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे जो मातृशक्ति का जो सम्मान है वो बहुत अच्छा होता है। और यहाँ पे बहुत सीधे सच्चे कर्तव्यनिष्ठ यहाँ के जनमानस है जो, और यहाँ पे जो इस तरह की जब हम बात करते हैं तो सैलानियों के साथ साथ यहाँ का जो एक वो है कल्चर है, वो रीति रिवाज के अनुसार यहाँ की जो संस्कृति को बढ़ावा देने का जो है जनपद पौड़ी का अग्रणी स्थान रहता है। अपने को जो है जब त्योहार होते हैं, पर्व होते हैं, तो सभी लोग इसमें जो है देश विदेशों से घर आकर के उनको बढ़ावा देते हैं। और अगली में खास बात ये कहूँ कि जनपद पौड़ी हमारा एक गांव है सुमाड़ी, जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है प्रशासनिक सेवा के अधिकारी यहाँ सर पूरे उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा निकल के आते हैं। और जनपद पौड़ी में जो है जब हम राजनीति की बात करते हैं तो राजनीति के क्षेत्र में भी जनपद पौड़ी को बहुत माहिर माना जाता है। सबसे ज़्यादा उत्तराखंड हो या उससे पहले की उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो सबसे ज़्यादा मुख्यमंत्री जनपद पौड़ी से जो है रहे हैं। और सबसे ज़्यादा जो नेतृत्व की बात आ जा रहा है, स्वाभाविक है कि बड़ा जनपद है तो ज़्यादा विधानसभाएँ हैं और ज़्यादा विधानसभाएँ हैं तो ज़्यादा राजनीति का वो रहता है। और इसी के साथ साथ मैं ये कहूँगा कि पौड़ी अग्रणी क्षेत्र में काम कर रहा है और यहाँ पर जब उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में और उत्तराखंड के बढ़ावा देने के लिए जब कोई निर्णयों की भूमिका आगे आती है तो उसमें पौड़ी का अग्रणी योगदान होता है कि हर चीज़ की शुरुआत लगभग पौड़ी से की जाती है। और यहाँ पे एकजुटता का माहौल, भाईचारा का माहौल और एक अपनत्व का माहौल और अपना कल्चर, अपनी संस्कृति, अपनी विरासत, सारी चीजें यहाँ पर बहुत समय मिलजुल कर रहते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत बहुत आपका बहुत अच्छा, बहुत संक्षिप्त में इतनी अच्छी जानकारी। नमस्कार सर, अपना परिचय और मैं दिनेश चंद्र पांडे, जिला समन्वयक आशा कार्यक्रम और मेरे देहरादून से ना देहरादून से मेरे देहरादून जनपद में 6 ब्लॉक है, 3 हमारे अर्बन सेक्टर है और 6 पूरा मतलब हमारे देहरादून जनपद में 1449 आशाओं का लक्ष्य है, जिसमें हमारी 1442 आशाएं काम कर रही है जी। और हमारे आशा है 72 आशा फैसिलिटेटर है, इसमें 72 ही हमारे काम कर रही है जी। और हमारे जो ब्लॉक कोऑर्डिनेटर का जो लक्ष्य है 8 है, 8 में से 6 ही काम कर रहे हैं, 2 हमारे ब्लॉक समन्वयक रिक्त है पर उनके लिए भी अधिसूचना जारी हो गई है। और साथ में है कि यहाँ पे जो राजधानी का जनपद होने के कारण
यहाँ मतलब ये है कि काम की अधिकता ज़्यादा है, काम की अधिकता होने के साथ साथ ये है कि हमें भी सीखने का यहाँ पे काफ़ी समय मिला, काफ़ी मौका मिला है, काफ़ी अच्छा अनुभव रहा है। और आशा कार्यक्रम में और यह है कि जो भी यहाँ पे हमारे आशा कार्यक्रम के ट्रेनर है वो मतलब एक है कि अपने आत्मविश्वास के साथ ही प्रशिक्षण देते हैं और उनका जो मनोबल है वो काफ़ी अच्छा है। एक प्रशिक्षण के प्रशिक्षक दाता के रूप में है और प्रशिक्षित दाता के रूप में अच्छा मनोबल है और उसके साथ ही हमारे जो भी यहाँ पे प्रशिक्षण लेती है उनको भी प्रशिक्षण की पूरी जानकारी होती है। और हम हर चीज़ को मतलब ये है कि हर चीज़ को मतलब बेसिकली चीज़ें उनको पहले हम समझाते हैं और समझा के वो काफ़ी मतलब प्रयास करते हैं। और ये है कि जैसे हमारा आशा संगिनी ऐप भी चल रहा है, आशा संगिनी ऐप के तहत है कि जो अक्टूबर तक को अभी आशाओं को इंसेंटिव दिया गया है, आगे ये बात हो रही है कि आशा संगिनी मतलब ये कि शुरू होने वाला है, उसके बाद ही उनका ऑनलाइन पेमेंट होता है। अगर पेमेंट हो गया है, ऑनलाइन इंसेंटिव हो गया, तो हम राज्य सरकार का धन्यवाद करते हैं। कम से कम हमारी आशाओं को ये पता चले कि हमारे किस गतिविधि में कौन सा कितना पैसा है और उनको ऑनलाइन दिख जाए कि हमारा ये पैसा है। उसके बाद ये कि उनके मन में भी ये बात नहीं होगी कि हमें पता नहीं चलता है कि हमारे पास इतने पैसे आए, ये पता नहीं चलता है किस गतिविधि का पैसा है। धन्यवाद। और थोड़ा सा और बता दीजिए सर, जैसे देहरादून के बारे में, यहाँ पे देखने लायक स्थान। हाँ, यहाँ पे जो देखने लायक स्थान है, आप अगर यहाँ से सहस्त्रधारा रोड जाएंगे, सहस्त्रधारा रोड में हमारा वहाँ पे एक सहस्त्रधारा बहती है, तीन तीन चार धारे है, पर वहाँ पे एक गंधक बताते हैं लोग कि गंधक का पानी है, पर उसको नहाने से बड़ा आनंद आता है। और मसूरी वाला क्षेत्र है, मसूरी हमारे एक तीर्थ वैसे है, पर्यटक क्षेत्र है, काफ़ी चीज़ें वहाँ पे, आईएएस एकेडमी है वहाँ पे, जो आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जो आईएएस कराते हैं उनके लिए वहाँ पे प्रशिक्षण कार्यशाला है, लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी है। और उसके बाद देहरादून में और ये जैसे हमारा बुरांसकंडा है, बुरांसकंडा में बुरांस के वहाँ पे मतलब रमणीक स्थान है, वो रायपुर ब्लॉक में पड़ता है। और हमारा जैसे चक्रोता साइड है, चक्रोता भी हमारा एक रमणीक स्थान है जहाँ पे पर्यटक आते हैं और गर्मियों में खासतौर पर पर्यटकों की काफ़ी वो होती है, वहाँ पे भरमार होती है पर्यटकों की और चक्रातों को घूमने के लिए, जो हमारे एक जौनसार वाला क्षेत्र होता है। उसके बाद जैसे लाखा मंडल हो गई, कभी हमारे इतिहास कहता है कि लाखा मंडल पांडवों ने बना रखा है। अच्छा। वो भी हमारे देहरादून जिले में पड़ता है। अच्छा। और वहाँ पे लाखा मंडल में पांडवों ने शरण ली थी, जब वो कौरवों से पीड़ित हो चुके थे तो लाखा मंडल उन्होंने शरण ली थी। और उसके बाद कई रमणीक स्थान, ये महासु मंदिर है यहाँ पे, जो हमारा जौनसार की अगर मन्नत मांगे तो मन्नत पूरी होती है। और फिर हमारे डाट काली मंदिर है यहाँ पे, जो आईएसबीटी से आगे जाता है, डाट काली मंदिर में भी ये है कि जो भी हम नई गाड़ियाँ वगैरह खरीदते हैं, जो भी हम नया काम करते हैं, तो डाट काली मंदिर में ही जाना जरूरी होता है। वहाँ पे श्रीफल वगैरह चढ़ाना वगैरह जरूरी होते हैं, जो मतलब काम करने से पहले हम महा भगवती माँ लक्ष्मी जी वो लेते हैं, शरण में जाते हैं, जिससे हमारा काम बड़ा अच्छे ढंग से हो। अच्छा, मेरा नाम गीता है, मैं ब्लॉक कोऑर्डिनेटर खटीमा की हूँ, उधम सिंह नगर से। खटीमा में बहुत सारी चीज़ें हैं, मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारा विकास किया वहाँ पर, उन्होंने चक्रपुर मंदिर बनाया है, वहाँ का फेमस है। वहाँ चक्रपुर में शिवरात्रि के दिन जो वहाँ का शिवलिंग है वो सात रंग में बदलता है। और उन्होंने वहाँ पर ना हमारे खटीमा से लगा हुआ सितारगंज के बीच में पड़ता है नानकमत्ता क्षेत्र, जहाँ नानकमत्ता का गुरुद्वारा है नानकनाथ साहिब, उसमें डैम है, बाउली साहब है, आसपास में बहुत सारी क्यारियां हैं, पार्क है, लोग दूर दूर से वहाँ दर्शन करने घूमने आते हैं। बाउली साहब बोलते हैं उसको, बाउली साहब बोलते हैं वहाँ पर। उसकी कथा यह है कि एक बार उनको जो गुरु नानक देव जी वहां रहने आए थे, तो उनके क्या कहते हैं जो शिष्य थे ना, उनको प्यास लगी, उन्होंने बोला मेरे को पानी पीना है, तो मैं कैसे पीऊँ, तो उन्होंने बोला ये फावड़ा लेके जाना
और फावड़ा मारना। तो उन्होंने क्या किया कि जो डैम है उसका यही है कि उन्होंने फावड़ा चलाया, उसके बाद उन्होंने बोला सीधे आना, लेकिन उन्होंने क्या किया गुरुद्वारे में ना आके पीछे मुड़ के देखा तो वो क्या था, डैम बन गया, वहीं पानी वहीं का वहीं रुक गया। उसकी ये इतिहास है। अब खटीमा में मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में उत्तरायणी मेला लगता है बहुत बड़ा, जिसमें काफी सारे लोग बाहर से आते हैं, बहुत सारे दुकानें लगती हैं, झूले लगते हैं, पहाड़ी नृत्य किया जाता है। और हमारे वहाँ मुख्यमंत्री जी ने उद्घाटन किया, उन्होंने जमौर में क्रोकोडाइल पार्क बनाया गया है जिसमें लोग दूर दूर से आके वहाँ घूमने जाते हैं। क्रोकोडाइल भी है उसमें? हाँ, क्रोकोडाइल है। हाँ, उसमें क्रोकोडाइल भी है। जब वो सुबह के टाइम या दोपहर में धूप सेकने आते हैं तो लोगों को वहाँ दिखाई देते हैं, लोग पिकनिक के तरह वहाँ मनाने जाते हैं। और एक और भी बहुत शारदा सागर है हमारे वहाँ, जहाँ पर लोग दूर क्या कहते हैं डैम है शारदा नदी का, वहाँ पे भी लोग दूर दूर से घूमने जाते हैं। क्षेत्र से लगा हुआ नेपाल का बॉर्डर एरिया है, जो पुल पार करके हम नेपाल सीधे पहुँच सकते हैं। कितनी देर में है? लगभग कितनी देर में पहुंच जाओगे वहां से? 10 मिनट में। 10 मिनट में नेपाल? क्यों, बॉर्डर पार करके तो नेपाली घटीमा के पास बनमौलिया गांव है, वहां पर क्या कहते वो है सेना वालों का बॉर्डर है, उसे ही पुल है, उस पुल को पार करेंगे तो हम 10 मिनट में नेपाल पहुंच जाएंगे। मैं प्रेमा हूँ, प्रेमा जोशी हूँ, पिथौरागढ़ से आई हूँ। मैं आशा ब्लॉक कोऑर्डिनेटर हूँ और आज देहरादून में आए हैं हम लोग ट्रेनिंग लेने, और यहाँ आपके साथ मिलने का सौभाग्य मिला। बहुत अच्छा लगता है आपका ब्लॉग में देखती रहती हूँ, तो आज हम भी तुम्हारे साथ मिलने का मौका मिला, तो आज हमारा और आपका मिलन हो गया। और होली की भी बधाई आपको। धन्यवाद दी, आपको भी अग्री। दीदी पिथौरागढ़ की छोटी सी कोई एक चीज बता दो, वहाँ की फेमस मतलब क्या है पिथौरागढ़ में? पिथौरागढ़ का तो वैसे हमारा छोटा कश्मीर से प्रसिद्ध है। पिथौरागढ़ अपने आप में बहुत बड़ा शहर है। वहाँ के जो हमारी भूमि है मोष्टमानो देवी उल्का देवी मैया से गुन्ना मैया से फेमस है। और वहाँ क्या है फिर, और इतना है कि छोटा कश्मीर ही कहते हैं, झरने उग्र है, मुंशियारी का है, आधा मुंशियार आधा संसार बोलते हैं। मुंशियारी में राजमा आलू जम्बू ये चीज गंगरेण प्रसिद्ध है। और हमारे पिथौरागढ़ में ज्यादा कल्चर अभी होली का चल रहा है, तो बहुत ज्यादा होली गायन वहाँ पर चलती है महिलाओं का, मतलब बहुत बढ़िया है। कभी आओ पिथौरागढ़ भी आए। आएंगे कभी। हाँ, कभी आना पिथौरागढ़। नमस्कार दोसाद जी, आपसे मिलके बड़ा अच्छा लगा, बड़ी खुशी हुई। आप बहुत अच्छे ब्लॉग बनाते हैं। धन्यवाद दीदी। मेरा नाम अनिता राय है, मैं चंपा से आशा ब्लॉक कोऑर्डिनेटर हूँ। आज सौभाग्य से आज हम लोगों का मिलन हुआ है, देहरादून में आए हैं, बहुत अच्छा। और आ रहा है, मतलब बहुत खुशी हो रही है कि हम इस पावन पर्व पर हमको मिलने का मौका मिला। और चंपावत, जैसे मैं छोटा सा परिचय दूं, अपने आप में चंद्र राजाओं की राजधानी है चंपावत। और वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर मंदिर हैं, जैसे गोलू देवता का मंदिर है। गोलू देवता की जो भूमि है, जो असली मतलब गोलू देवता की जन्मभूमि है, वो चंपावत ही मानी जाती है। और बालेश्वर मंदिर है बहुत सुंदर सा, जहाँ तक हमें सुनने को मिला कि बालेश्वर बाली और सुग्रीव के जमाने का मंदिर है। बालेश्वर बहुत सुंदर है। और भी कई मंदिर है हमारे चंपावत में, कभी आप आइएगा। नमस्कार सभी को, मेरा नाम सुनीता जोशी है, मैं भी चंपावत से आई हूँ और मैं आशा ब्लॉक कोऑर्डिनेटर। अभी हम लोग सभी देहरादून में ट्रेनिंग के उसमें मिले हैं यहाँ पे। आप लोगों को मैं बताना चाहूँगी कि हमारे चंपावत में, जैसा कि दीदी ने बता ही दिया है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हमारे चंपावत में हैं, बहुत हैं। और बहुत अच्छा हमारे यहाँ माँ हिंगला देवी का मंदिर है, और भी बहुत सारी चीज़ें, मतलब चंपावत एक देखने लायक जगह है जो चंपावत में है। मैं तो आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि दीदी का ब्लॉग के साथ साथ हमारे चंपावत की झलकियाँ भी आप लोग देखने आए और हम लोगों से मिलने आए चंपावत। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम किरण कांडपाल है, मैं आशा ब्लॉक कोऑर्डिनेटर नैनीताल से हूँ। और नैनीताल के बारे में तो आप सभी लोग जानते ही हैं कि नैनीताल में बहुत सारी तालें हैं। गुरुजी का मंदिर हो गया, नैना देवी का मंदिर हो गया, नीम करोली महाराज जी का आश्रम है,
और शीतला देवी मंदिर है और भी देखने योग्य जगह है। और मैं सभी से निवेदन करूंगी कि जरूर नैनीताल आइए और सभी लोगों से मैं कहूंगी कि पुष्पा दी का ब्लॉग को लाइक सब्सक्राइब एंड अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद धन्यवाद मेरी सभी बहनों को। नमस्कार सभी को, मैं जिला उधम सिंह नगर से जिला समन्वयक निधि शर्मा। मैम आपके वहाँ क्या क्या मतलब बहुत सुंदर चीज है जरा सा मेरे उनको बता दीजिए यूट्यूब फैमिली को। हमारे उधम सिंह नगर में ही सारा उत्तराखंड हमारे उधम सिंह नगर में बसा पड़ा है क्योंकि हमारा इंडस्ट्रियल एरिया है तो अधिकतर भारत से कोने कोने से वहाँ पे उधम सिंह नगर में हमारे लोग मिले हैं। विशेष पहाड़ों में है चाहे कुमाऊनी की जो भी चीजें हो वो सब हमारे उधम सिंह नगर में मिलेंगे। और क्या क्या है वहाँ देखने लायक मैम? वहाँ पे देखने लायक जो सबसे बड़ा मेला जो लगता है चैती मेला, वहाँ चैती मेला सबसे हमारे काशीपुर में लगता है जिला उधम सिंह नगर के ब्लॉक काशीपुर में। और शिवरात्रि का मेला जहाँ जगह जगह से लोग आते हैं, कोने कोने से लोग चैती मेला शिवरात्रि के मेले में आते हैं तो वहाँ बहुत अच्छी रौनक होती है। तो आप लोग भी आइए कभी चैती मेला में, स्वागत है। धन्यवाद। हेलो, मेरा नाम दिगंबर भंडारी है, मैं डिस्ट्रिक्ट रुद्रप्रयाग से ब्लॉग करता हूँ। कभी आइए हमारे यहाँ पे, हमारे यहाँ पे बहुत ही शानदार केदारनाथ जो धाम है वो है, साथ ही हमारे यहाँ पे छोटे छोटे से भी है जैसे कि कोटेश्वर, जो आपने सुना होगा कोटेश्वर मंदिर है वो हमारे रुद्रप्रयाग सेंटर में पड़ता है, मुख्यालय से थोड़ी सी दूरी पर है, 2 किलोमीटर। और हमारे यहाँ पे कार्तिक स्वामी ऐसे करके मंदिर है तो वहाँ पे भी आई, वहाँ पे भी बहुत ऐसा है। और जो दुनिया का सबसे ऊंचा मंदिर है वो भी हमारे रुद्रप्रयाग में है जो तुंगनाथ के नाम से है। तो आइए कभी हमारे रुद्रप्रयाग में और हम आपको मतलब बहुत एंटरटेन करेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत मिलाती हूँ आपको उत्तरकाशी के भैया से। भैया थोड़ा उत्तरकाशी के बारे में बता दीजिए अपना इंट्रो वगैरह। नमस्कार सभी को, मेरा नाम सचिन नौटियाल है और मैं डिस्ट्रिक्ट उत्तरकाशी के ब्लॉक डोंडा से बिलोंग करता हूँ। तो चार धामों तो आपने सुने होंगे, चार धामों के नाम गंगोत्री और यमुनोत्री जो है उत्तरकाशी में ही पड़ता है और गंगोत्री उत्तरकाशी से 100 किलोमीटर पे पड़ता है। और अगर आप यमुनोत्री की बात करें तो यमुनोत्री जो है 162-165 किलोमीटर थोड़ा दूरी है मेन डिस्ट्रिक्ट से। और वहाँ पे जो आपको घूमने लायक दयारा बुग्याल मिलेगा, आप आइए जरूर उत्तरकाशी में। और दयारा बुग्याल है और NIM है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेन। और अगर आप और ब्लॉगों की बात करें, मोरी ब्लॉग जहाँ पे मैं जॉब कर रहा हूँ वहाँ पे भी काफ़ी अच्छा है घूमने लायक। सुना होगा आपने हरी की दून और केदारकांठा ट्रेक और मासुदेवता, तो काफी अच्छा प्लेस है, जरूर आए आप। धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। नमस्कार मैडम, मैं उमेश जोशी ब्लॉक कोऑर्डिनेटर भैसेसाना ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा। आज हमारी एक ये दूसरे दिन की मीटिंग है जो स्टेट की मीटिंग है, तो दूसरा दिन है इसका। अल्मोड़ा के बारे में कुछ अच्छी चीजें बता दो जो फेमस है वहाँ की। वहाँ के मैडम फेमस क्या है, एक तो चितेगुलू मंदिर है वो सबको पता है जो उत्तराखंड के न्याय के देवता माने जाते हैं, और जागेश्वर धाम जो कि 108 मंदिरों का समूह है, और महामृत्युंजय मंदिर भी वहीं है साउथ के बाद, इधर ही नॉर्थ का जो है हमारे इधर जागेश्वर धाम में है। साथ में बाकी मंदिरों की अगर बात करो तो मैं गिराड़ा गुरुदेव है। बाल मिठाई तो वहाँ के इसलिए बाल के लिए ही फेमस है अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट, और बाकी आप आइए देखिए बहुत अच्छा है। लंच के बाद पुनः मीटिंग के लिए जाते हैं। हाँ, पुनः मीटिंग के लिए जा रहे हैं, मीटिंग के लिए जा रहे हैं। हाँ। दो दिन की ट्रेनिंग जो है आज समाप्त हो जाएगी शाम को। नरेश देवलाड़ी मेरा नाम है और मैं चमोली से हूँ। चमोली एक पहाड़ी क्षेत्र का बहुत शानदार जनपद है जिसमें बद्रीधाम बद्रीनाथ जी के दर्शन हमें होते हैं वहाँ पे, और उसके अलावा बहुत सारे मंदिर है, पंचबद्री वहाँ पे है, पंचप्रयाग वहाँ पे है, और बहुत सारे पर्यटक स्थल हमारे चमोली जिले में है। और मेरा जितना भी मुझे सुन रहे हैं देख पा रहे हैं, आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग एक बार जरूर बद्रीनाथ जी के दर्शन करने आए। धन्यवाद, थैंक यू। चौहान है, मैं हरिद्वार से हूँ। ठीक, हमारी मैडम है शालिनी चौहान, बाकी सैनी जी
ठीक है। वहाँ हरिद्वार में काफी जगह है घूमने की, मनसा देवी, चंडी देवी, मायापुर मंदिर, ठीक है, बिल्केश्वर, सिसरोत, और बताओ, सुरेश्वरी, सुरेश्वरी, ठीक है, भैरव, वो क्या नाम, भारत माता मंदिर, गौरी शंकर, दक्ष मंदिर, तिल भंजन, दरिद्र भंजन, और सबसे मेन गंगा आरती। गंगा आरती तो वहाँ की बिल्कुल जग फेमस है, गंगा आरती नहीं पूरा है, लेकिन उसके अलावा जितने भी वो मंदिर है सारे पीठ है हमारे यहाँ, आनंद भैरव, ठीक है, चलते चलते तो कभी विजिट कीजिए, वहाँ घूम कर आइए। लगभग आपका टाइमिंग सारी जगह घूमने में 2 से 3 दिन लग जाएंगे, और अच्छे से आरती देखें, सभी मंदिरों के दर्शन करें, जरूर आएंगे। मैम आप इतने प्यार से बोल रहे हो, बिल्कुल बिल्कुल कहो हाँ। तो हम ही घुमा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, हाँ, जरूर आएंगे, और क्या, और सुनाइए। और मैं तो बागेश्वर से बिलोंग करती हूँ, आप सभी लोग जानते हैं बागेश्वर में भी देखने लायक बहुत सी चीज़ें हैं हमारे बागेश्वर में, जैसे कि बागेश्वर धाम है। तो अगर मैं बागेश्वर से हूँ कहती हूँ बागेश्वर धाम से, तो सभी लोगों को लगता है कि अरे ये कहीं वही चमत्कारी बागेश्वर धाम से तो नहीं है। नहीं, मैं वहाँ से नहीं हूँ, लेकिन हमारा बागेश्वर भी किसी चमत्कार से कम नहीं है। बागेश्वर में है हमारी बागनाथ धाम, बहुत ही प्यारा भोले बाबा का, और है हमारे गरुड़ में है जिसे कहते हैं भारत का स्विट्जरलैंड कौसानी, सेम बिल्कुल स्विट्जरलैंड की तरह बहुत ही खूबसूरत, और है बैराज झील बहुत खूबसूरत सी, और पांडव स्थली है देखने लायक जहाँ अज्ञातवास में पांडव रहे, और हमारी कोट भ्रामरी का बहुत भव्य मंदिर है, बहुत भव्य मेला लगता है वहाँ पे, तो वहाँ बहुत दूर दूर से लोग आते हैं मेला देखने के लिए, और हमारे मेले का उद्घाटन भी खुद मुख्यमंत्री जी करते हैं। और बागेश्वर में है हमारा कोटगाड़ी का बहुत प्यारा सा मंदिर, पिंडारी ग्लेशियर, ये मैंने मेन मेन बता दी, और बहुत कुछ है देखने लायक। तो यहीं पर करती हूँ मैं अपने ब्लॉग को इंडे। अगर आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग पूरे उत्तराखंड जो हमारी मीटिंग हॉल में समाया था वहाँ के बारे में आपने जाना, सारे उत्तराखंड के हर डिस्ट्रिक्ट के बारे में आपने जाना, आपको कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और जो पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं वो सब्सक्राइब करें, और लाइक, शेयर, कमेंट। बाय बाय, कल फिर मिलूँगी एक नए ब्लॉग के साथ।